फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर का मतलब लिक्विड का प्रेशर। लिक्विड का प्रेशर क्यों एग्जिस्ट करता है मैं बताता हूं। ये शीट नंबर 109 है, 109। देखो, एक लिक्विड बहुत सारे मॉलिक्यूल से, या एक लिक्विड का मॉलिक्यूल बहुत सारे मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, बिल्कुल वैसे जैसे बहुत भीड़ है और मान लो ये बहुत भीड़ में बहुत लोगों से घिरा हुआ है, बहुत लोग इसके आसपास हैं जो इसको पुश कर रहे हैं, ये बेचारा मूव नहीं कर पा रहा, इधर जाता है तो इधर के लोग धक्का मारते हैं, इधर जाता है इधर के धक्का मारते हैं, तो अपनी पोजीशन तो चेंज नहीं कर सकता, पर ये कह रहा है कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है लोगों का। तो मैंने कहा तू क्या कर रहा है, कहता मैं भी बदले में हर तरफ प्रेशर लगा रहा हूं, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, अगर वो फोर्स लगाएंगे तो मैं भी फोर्स लगाऊंगा, राइट। मॉलिक्यूल की भी ऐसी हालत है, ये मॉलिक्यूल है एक्स, एक्स ये मूव तो कहीं कर नहीं पा रहा, अगर मान लो कंटेनर में लिक्विड पड़ा है तो पानी हिलता थोड़ी ना, अगर स्टेशनरी है स्टेशनरी है, तो ऐसा थोड़ी ना कि प्रेशर नहीं है, प्रेशर है, इट इज सराउंडेड बाय ऑल मॉलिक्यूल जो हर तरफ क्या लगा रहे हैं इसके ऊपर, फोर्स इन एवरी डायरेक्शन। लेकिन मजे की बात है कि नेट फोर्स इसके ऊपर कितनी है, जीरो, मूव ही नहीं कर पा रहा, पर लेकिन प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है हर तरफ से, तो ये भी उल्टा हर तरफ क्या लगा रहा है फोर्स, तो ये भी हर तरफ क्या लगा रहा है प्रेशर। प्रेशर क्योंकि स्केलर जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानी जाती, क्योंकि एक पार्टिकल एक ही टाइम पे हर जगह पर प्रेशर लगा सकता है, तो इसकी एक डायरेक्शन नहीं होती, कई डायरेक्शंस होती हैं, तो ये प्रॉपर वेक्टर नहीं है, तो ये रीजन है प्रेशर होने का। दूसरा पॉइंट इसमें ये बताया हुआ है कि ड्यू टू द कॉन्टैक्ट फोर्स सराउंडिंग बाय पार्टिकल्स एक्स विल एक्सपीरियंस अ प्रेशर नोन एज फ्लूइड प्रेशर। ठीक है यहां तक, ठीक। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फ्लूइड प्रेशर, इट एक्ट्स एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ फ्लूइड बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये हर मॉलिक्यूल के ऊपर लगता ही लगता है, बिकॉज मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड एट वन पॉइंट इन अ फ्लूइड बॉडी इट एक्ट्स यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में ये मॉलिक्यूल प्रेशर लगाएगा। If the fluid is in contact with a solid surface, अगर मान लो ये पानी जो है वो solid के contact में है, तो यहाँ के point पे हर molecule force लगाएगा, लेकिन जो resultant force निकलेगी सभी की वो perpendicular ही निकलेगी surface के, तो जो pressure या force लगेगी that is always perpendicular to the surface, ये rule है। तो force पानी या कोई भी liquid टेढ़ा नहीं लगाएगा, container के perpendicular ही लगाएगा। कोई भी बॉडी इसलिए फ्लोट करती है, वैसे तो आर्किमिडीज ने बहुत सारे अपने प्रिंसिपल बताए, लेकिन कोई बॉडी इसलिए फ्लोट करती है क्योंकि इट इज सराउंडेड बाय ऑल दी मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल हर तरफ से इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं फोर्स, वो फोर्स का वेक्टर सम अगर हम लें तो एक्स वाई प्लेन में हर फोर्स को डिवाइड करें, इसको इसको हर किसी को, तो उनका जो वाई एक्सिस में सम आएगा फोर्सेस का अलोंग वाई एक्सिस, अगर वो इस बॉडी के वेट के इक्वल है तो बॉडी डूबेगी नहीं, वहीं रहेगी, लेकिन अगर वेट बड़ा हो गया ऑल वाई एक्सिस की फोर्सेस तो फिर ये डूब जाएगी। इसको आर्किमिडीज ने किसी और तरीके से समझाया हमें, लेकिन एक्चुअल में मॉलिक्यूल की फोर्सेस हैं जो इसे पुश करती हैं। ठीक उसी तरीके से अगर एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर लेना है, सरफेस के ऊपर प्रेशर लिखा जाता है डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए, दैट इज फोर्स का चेंज अपॉन एरिया जितना भी है, लेकिन अगर सरफेस एरिया छोटा है पॉइंट है तो लिमिट लगाई जाती है डेल्टा ए अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट का मतलब डेल्टा ए एक पॉइंट है और जब लिमिट लगती है तो ये डीए बन जाता है, तो यानी कि प्रेशर किसी पॉइंट पर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। प्रेशर की एप्लीकेशन में पहली एप्लीकेशन है रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन दी वुडन स्लीपर्स, तो जब ट्रेन निकलती है जो ट्रैक है लकड़ के बड़े बड़े प्लैंक्स रखे जाते हैं, वो इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो हम एरिया को बढ़ाते हैं प्लैंक्स को रख के, तो प्रेशर क्या लगेगा ट्रेन का कम, ट्रेन धसेगी नहीं नीचे की तरफ। नेक्स्ट एप्लीकेशन है पेपर पिन, पेपर पिन होते हैं वो आगे से तीखे होते हैं पीछे से तीखे नहीं होते, क्योंकि आगे से इसलिए तीखे हैं पेपर के अंदर एंटर करना है, तो एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर क्या लगेगा ज्यादा। तीखे पत्थर जो होते हैं वो पैरों में चुभते हैं क्योंकि एरिया कम होने से प्रेशर पैर पे ज्यादा लगता है, बड़े पत्थर नहीं चुभते क्योंकि एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर कम लगता है। पास्कल लॉ, पास्कल ने यह बताया कि अगर